आपको बताने जा रही हूँ मसाला चाय कैसे बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हम एक टी पैन लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा स्पून का चाय पत्ती लिया है। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। अदरक को मैंने यूँ क्रश कर लिया है, इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है एवरेस्ट चाय मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें वरना ना करें। तो सबसे पहले फ्रेंड हम ये पैन रखेंगे। इसमें हमें बहुत थोड़ा पानी यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे आधी ग्लास पानी यूज़ किया है। ये बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ करें क्योंकि पानी में चाय, बहुत ज़्यादा पानी में चाय बनी हुई अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। अब मैं इसमें ये क्रश किया हुआ अदरक डालूंगी। गैस को हम मीडियम रखेंगे, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे गैस को मीडियम रखा है। चाय जितनी देर खौलती है, पकती है, चाय का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स हमें यूँ चाय में अदरक को ऐसे मिक्स कर देना है और अब हम इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। मेरी चाय पानी और अदरक खोल रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐड कर दूंगी। मैं शक्कर डाल दिया है और मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा एवरेज चाय मसाला डाल रही हूँ। इसे आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे मिक्स कर देंगे, हमारा शक्कर भी अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब हम इसमें पानी से सादा दूध डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप चाय बना रही हूँ। जब आप ज़्यादा चाय बनाएंगे तो आप उस हिसाब से सारी सामग्रियों को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय का कलर अभी ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम गैस को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। मेरी चाय बहुत अच्छी तरह से पक रही है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चाय को इस तरह से बीच बीच में हमें मिक्स करना चाहिए, इससे हमारी चाय और भी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है और दुकान की तरह लगती है। मैंने यहाँ पे गैस को थोड़ा सा फास्ट किया है, बिल्कुल ज़रा सा। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय उबल रही है अच्छी तरह से। मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, आप इसे बिस्किट, खारी, जिससे आपका मन करे उससे खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था मैं 1 कप के लिए चाय बना रही हूँ, तो बराबर मेरी सारी सामग्रियाँ बिल्कुल परफेक्ट है और ये मेरी चाय एकदम रेडी है।